दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दी रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब। पांवटा साहिब में कुछ शरारती तत्वों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के प्रति फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने तथा माहौल खराब करने की मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ी निंदा की है। अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह बात पूर्व बीडीसी सदस्य और भाजपा नेता शमशेर अली ने कही। पूर्व जिला परिषद सदस्य शमशेर अली ने कहा कि हिंदू और मुसलमान भाई दोनों ही ईद और दिवाली साथ साथ मनाते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, मगर मंगलवार को कुछ शरारती तत्वों द्वारा फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके माहौल को खराब करने का काम किया है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कल बीते कल जो भी घटना हुई है, सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म के खिलाफ जो भी घटना हुई है, हम उसका खंडन करते हैं, घोर निंदा करते हैं। वर्षों से चले आ रहे हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा रहते हैं, कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। दिवाली हो चाहे ईद हो, मिलजुल के मनाते रहे हैं, मनाते रहेंगे। बहुत अच्छा भाईचारा लोगों में है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने माहौल ख़राब करने की जो कोशिश की है, उनके खिलाफ़ जो पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है, उनको जो भी सज़ा दे सकते हैं वो दें, जिन्होंने माहौल ख़राब किया है। और मैं यही अपील करना चाहता हूँ सभी समाज के धर्म के लोगों से कि आपस में शांति बनाए रखें और सोशल मीडिया किसी किस्म की गलत कोई टिप्पणी ना करें, जिससे आपका तालमेल ख़राब हो। मैं यही कामना करता हूं कि हम लोग सभी मिलजुल के रहेंगे और रहना चाहते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।